नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटे दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि चेतक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। खराबी के चलते चेतक की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। होलागढ़ थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार के पास ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो चेतक की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बता दें कि तकनीकी खराबी के चलते ये होलागढ़ थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार के पास चेतक की लैंडिंग कराई गई है और चेतक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग प्रयागराज में कराई गई है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि खराबी के चलते चेतक की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बता दें कि प्रयागराज में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। प्रयागराज के होलागढ़ थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार के पास ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। चेतक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तकनीकी खामी के चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। खराबी अंदरूनी थी जिसके बाद से ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। चेतक की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। महत्वपूर्ण जानकारी, प्रयागराज में चेतक की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। चेतक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है प्रयागराज में। बता दें कि कुछ खामी हो गई थी और कुछ तकनीकी खामी के चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इससे जुड़ी हुई कि इमरजेंसी लैंडिंग हुई है चेतक की। ऐसे बता दें कि प्रयागराज में चेतक की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और अब से कुछ ही देर पहले चेतक की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय सेना के एक चेतक हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई है। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इसके पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जैसी जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। तकनीकी खराबी के चलते कहा यह जा रहा है कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बता दें कि चेतक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। शोएब रिजवी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, किस समय इमरजेंसी लैंडिंग हुई है? अभी उसके अंदर जो सवार थे क्या वो सुरक्षित है? क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था। बताया जा रहा है कि ये उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद इसमें कुछ तकनीकी खराबी आई, जिसकी वजह से प्रयागराज का ही होलागढ़ का इलाका है वहां पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हालांकि सुरक्षित तरीके से उसकी लैंडिंग कराई गई। खेत जो है वहां पर इसकी लैंडिंग कराई गई। होलागढ़ के पास आबादी से थोड़ा हटकर एक खेत में सकुशल इसकी लैंडिंग कराई गई, जिसके पायलट और को पायलट है वो सुरक्षित थे। ये राहत भरी बात रही कि किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई। हालांकि बाद में जो एयरफोर्स की टीम है, टेक्निकल टीम है, वो मौके पर पहुंची और वहां पर उसने काफी मशक्कत के बाद जो इसके टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवाया और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर वापस वहां से उड़ान भर करके अपने गंतव्य जा चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि उस वक्त जिस वक्त ये लैंडिंग कराई गई, क्योंकि गांव के पास का ये मामला था तो दोहल वक्त वहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि जो स्थानीय पुलिस है वहां पर पहुंच चुकी थी, उसने उस पूरे इलाके को एक तरह से अपने घेरे में ले लिया, बैरिकेडिंग कर दी। हेलीकॉप्टर के आसपास किसी को जाने नहीं दिया गया और काफी देर तक वहां पर भीड़ इकट्ठा रही। उसके बाद इसकी खबर जो एयर बेस है वहां पर दी गई, वहां से जो टेक्निकल टीम है एयरफोर्स की वो वहां पर पहुंची और उसने वहां पर जो उसकी तकनीकी खराबी उसको दूर किया। उसके बाद वो वहां से वो हेलीकॉप्टर दोबारा उड़ान भरते हुए अपने गंतव्य पे गया। तो ये कह सकते हैं कि काफी देर तक हलचल भरा माहौल रहा वहां पर और खासतौर से गाँव के जो लोग है बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि उनके बीच में अचानक इस तरह से हेलीकॉप्टर का खेत में लैंड करना उनके लिए कहीं ना कहीं कौतूहल था और उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि उस वक्त वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने उस पूरे इलाके को घेराबंदी की। कितना वक्त लगा शोएब इस पूरे प्रक्रिया में, जब तक तकनीकी खामी को ठीक नहीं किया गया? कितनी देर में फिर से उड़ान भरी इस हेलीकॉप्टर ने? देखिए, लैंड करने के बाद चूंकि एयरफोर्स का बड़ा बेस है प्रयागराज, वहां से पहुंचने के बाद करीब एक घंटे तक जो टेक्निकल टीम है उसने उसके पूरी स्थितियों को जाना और उसके बाद एक घंटे के करीब उस हेलीकॉप्टर को ठीक किया गया और वो फिर वापस उड़ान भरते हुए चला गया। क्योंकि यहाँ पर जो बमरौली एयर बेस है वहां पर ट्रेनी पायलट भी उड़ान भरते हैं, तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही कि हो सकता है ट्रेनी पायलट रहे और बाकायदा उस ट्रेनिंग के हिस्से के तहत ये उड़ान भरी हो। लेकिन जैसे ही तकनीकी खराबी आई तो प्रयागराज का ही होलागढ़ इलाका है वहां पर इमरजेंसी इनको लैंडिंग करनी पड़ी। उन्हें जो चीजें सुरक्षित लगी, जो जगह सुरक्षित लगी वहां लैंड किया, क्योंकि आबादी के पास ही यहां पे तकनीकी खराबी आई थी। हालांकि
उसे सुरक्षित खेत में लैंड कराया गया, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जो उसके पायलट है वो भी सुरक्षित है, और इस तरह से कह सकते हैं कि उसके बाद जो एयरफोर्स की टीम है, टेक्निकल टीम है, वो वहां पे पहुंची और करीब 45 से मिनट से एक घंटे के बीच उन्होंने उसमें जो खराबियां हैं उसको चेक किया और उसको दूर करने के बाद फिर दोबारा हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और वापस जो बिल्कुल शोएब गनीमत रही कि किसी के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि लैंडिंग करने से पहले काफी देर तक आसमान में ये हेलीकॉप्टर मंडराता रहा। कितनी देर तक आसमान में ये हेलीकॉप्टर मंडराता रहा, उसके बाद किस तरीके से इसने लैंडिंग की? देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों का ये बताना है कि गांव के पास ही वो एक तरह से राउंड करने लगा, चक्कर करने लगा। हो सकता है कि जो पायलट या को पायलट है वो डिसाइड करने में उन्हें लग रहा होगा, क्योंकि आबादी भरे इलाके में खतरा हो सकता था, सुरक्षित लैंड करना उनके लिए पहली प्राथमिकता थी, इसीलिए कुछ देर तक वहां राउंड करता था। और जब उन्हें सुरक्षित स्थान एक ऐसी जगह मिली जहां पर आबादी नहीं थी, खेत था, तो वहां पर उन्होंने उसको सकुशल लैंड कराया और उसके बाद इसकी सूचना अपने अधिकारियों को दी। हालांकि उस बीच में गांव के जो लोग हैं, क्योंकि गांव से बहुत नजदीक खेत में इसको लैंड कराया गया, तो वहां पर लोग इकट्ठा हो गया, वहां की जो स्थानीय पुलिस है वो पहुंच गई और इस बीच में जो एयरफोर्स की टीम है वो पहुंची और उसके बाद उसने उसकी तकनीकी खराबी को दूर किया और उसके बाद इसे वापस फिर अपने गंतव्य की तरफ रवाना किया गया। जैसे कि शोएब आप भी अभी बता रही थी कि ट्रेनी पायलट भी होते हैं जो कि उड़ान भरते हैं, तो क्या मौजूदा स्थिति में उनके साथ कोई सीनियर पायलट नहीं होते ही है? नहीं, देखिए, बिल्कुल, जो ट्रेनी पायलट जब उड़ान भरते तो वो इस योग्य होते हैं कि वो हेलीकॉप्टर पे पूरा कमांड रख सके, और इसीलिए उन्होंने उड़ान भरी थी। लेकिन चूंकि ये तकनीकी चीज है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है और इसी तरह की किसी तकनीकी खराबी के बाद ही इसको लैंड कराना पड़ा, और इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों पायलट और उसका जो को पायलट है वो दोनों इतने दक्ष थे कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ और कह सकते हैं कि पूरे नियंत्रण के साथ उसे लैंड कराया और ऐसी जगह पर लैंड कराया जहां किसी तरह का कोई खतरा ना हो, सुरक्षित तरीके से। तो ये एक तकनीकी कारण है। हालांकि अब इस पूरे मामले पे जो एयरफोर्स की टीम है वो जरूर इस पे देखेगी कि किस तरह की प्रॉब्लम थी, क्या कहां चूक हुई है, क्या वजह थी। अच्छा, इन सब मामलों में कितने दिनों के अंदर, क्या कोई नियमित टाइम दिया गया इसके दिन, इतने दिनों के अंदर चेकिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है? देखिए, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर इस तरह की तमाम घटनाओं के बाद वो उनकी जो एक्सपर्ट टीम है उस पर जरूर पूरी एक नियमित समय में जांच करती है, और जांच करके ताकि आगे आने वाले दिनों में किस तरह का पायलट है, किस तरह की प्रॉब्लम आई है, उस पर मंथन करती है, क्योंकि एक तरह से जीवन से जुड़ा हुआ मामला रहता है। लेकिन ये चूंकि फोर्स से जुड़ा मामला है, उनकी इंडिविजुअल इंक्वायरी होती है और इंडिविजुअल रिपोर्ट होती है, लेकिन एक निर्धारित समय जरूर होता है उस जांच का, और उस जांच के दायरे में उनको उस बारे में अवगत कराना होता है कि किस वजह से और इसमें कहाँ चूक हुई थी या किस वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आई है और आगे इस पर क्या किया जाए। इस तरह की चीजें वो जो इंडिविजुअल कमेटी की होती है, एक्सपर्ट कमेटी, वो जरूर इस पर जांच करती है। अच्छा शोएब, ये जानकारी मुझे दीजिए कि इसने उड़ान कहाँ से भरी थी और लैंड कहाँ पे करना था इमरजेंसी लैंडिंग के पहले? देखिए, अभी जो बताया जा रहा है कि ये यहीं से उड़ान भर करके वो आसपास के इलाके में ही राउंड कर रहा था, उसी बीच में उसमें तकनीकी खराबी आई और जो कि होलागढ़ के पास एक सुनसान जगह या खेत था वहां पर उन्होंने लैंड किया, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी है। अभी पिछले दिनों ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा एयर शो जो एशिया का एयर शो था, एयरफोर्स ने किया था, तो एक बड़ा सेंटर ये है, तो यहाँ पर इस तरह के जो हेलीकॉप्टर या उड़ान है वो नियमित देखी जाती है आसमान पर। हालांकि इस तरह की लैंडिंग बहुत रेयर केसेस में होती है, उसी तरह से आज इस तरह के आपको रोकना चाहूंगी। शैलेंद्र सिंह डिफेंड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये खबर निकल के सामने आ रही है प्रयागराज के कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई यहाँ पे तेजस की, क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, एक इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में स्पेकुलेट करना अपने आप में गलत होगा, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट के अंदर ऐसे सैकड़ों उपकरण हैं जो काम कर रहे हैं, यस, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई मेजर उपकरण की जब फेलियर होती है इंजन रिलेटेड, उसके वजह से आप इस तरह की लैंडिंग कराते हैं, और इसका सबसे बड़ा जो एक तरीके से निष्पक्ष बात जब निकल कर आएगी वो ये होती है कि किसी भी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एक फुल फ्लेज्ड इंक्वायरी होती है, जिसमें उसको पिन पॉइंट किया जाता है, देखा जाता है
99.9% मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा कि इमरजेंसी लैंडिंग जनरली ह्यूमन फेलियर के वजह से नहीं होती। अच्छा, ह्यूमन एफर्ट के वजह से वो एयरक्राफ्ट क्रैश होने से बच जाता है और उस वजह से उस पायलट को हमें क्रेडिट देना होता है कि यस कोई इंस्ट्रूमेंट कोई इंजन कुछ फेल हुआ है, उसके बावजूद उसने इतना अपना विवेक नहीं खोया है और उस जहाज को उसने लैंड कर दिया है। ये एक बहुत ही कमेंडेबल बात है जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। शोएब का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, चेतर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग यहां पे प्रयागराज में की गई है, होलागढ़ थाना क्षेत्र में ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बिजनौर के धामपुर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब शराब के नशे में विवाद के चलते एक भाई ने अपने सगे भाई की पीट पीट कर हत्या कर दी। बता दें कि सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया है। शराब के नशे में ये विवाद हुआ जिसके बाद से पीट पीट कर एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। बिजनौर से ये मामला निकल के सामने आया है जहां एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये सूचना जो है बिजनौर से निकल के सामने आई है। और बता दें कि कहा यह जा रहा है कि शराब के नशे में ये पूरा विवाद हुआ है और ये विवाद इतना बढ़ गया कि हत्या तक पहुंच गया। इसके बाद बता दें बिजनौर के इस इलाके में हड़कंप मचा हुआ है जहां पे भाई ने भाई की हत्या की है। इस सूचना से हर कोई सन्न है। तो भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया है। बिजनौर से मामला सामने आया है जहां नशे की हालत में रहने के बाद ये विवाद हुआ है और पीट पीट कर भाई ने भाई की हत्या कर दी है। रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये खबर बिजनौर से निकल के सामने आई है। और बता दें कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी कारण के चलते पहले दोनों के बीच में विवाद हुआ, विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई में तब्दील हो गया, जिसके बाद से दोनों भाई ने एक दूसरे पर जमकर मारपीट की एक दूसरे के साथ और पीट पीट कर एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। शराब के नशे में ये पूरा विवाद हुआ था जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस आगे की तलाश में जुटी हुई है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस आगे कर रही है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पे पूरे मामले की तह तक पहुंचा जाए कि क्या कारण ऐसे थे जिसकी वजह से एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर बिजनौर से निकल के सामने आई है। पुलिस हर एक पहलू से जानकारी जुटा रही है, यहाँ पे पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है। ऐसे में बता दें कि एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। कहा यह जा रहा है कि नशे की हालत में थे भाई, जिसके बाद से ये विवाद बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये घटना जो है जौनपुर में हुई है, जिसके बाद से इलाके में हर कोई सन है, हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान महिला सशक्तिकरण बाइक रैली को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते कदम को प्रदर्शित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब महिलाएं सुरक्षित है, अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, महिलाओं के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। क्षेत्र में इन्फोर्समेंट का भी होगा। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने की भी आदेश दिए गए हैं। बहुत अब तक हम लोग समय दे चुके हैं बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग जो इस प्रकार के
अपराध करने के अभ्यस्त हैं उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई प्रदेश भर में, और मैंने गृह विभाग से इस बारे में कहा कि हर थाना क्षेत्र की पूरी रिकॉर्ड आने चाहिए किस थाना क्षेत्र में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है। ये सभी अभियान सुरक्षित रूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत और श्रीलंका के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका संस्कृति, वाणिज्य और सभ्यता का गहरा इतिहास साझा करते हैं और अब दोनों में आर्थिक साझेदारी भी बढ़ेगी। ये फेरी सेवा नागापट्टिनम और कांके संतुराई के बीच शुरू की गई है और हमारे संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे पहले केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के नागापट्टिनम और श्रीलंका के कांके संतुराई के बीच नौका सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। फ्रेंड्स, इंडिया एंड श्रीलंका शेयर अ डीप हिस्ट्री ऑफ कल्चर, कॉमर्स एंड सिविलाइजेशन। नागपट्टनम एंड टाउन्स नियर बाय have long been known for sea trade with many countries including Sri Lanka. The historical port of Pumpuhar has been mentioned as a hub in ancient Tamil literature. Sangam age literature like पट्टिना पालई एंड मणि मेकलई स्पीक्स अबाउट बोट्स एंड शिप्स मूविंग बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंड्स, आवर विजन फॉर कनेक्टिविटी गोज बियॉन्ड द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। India and Sri Lanka collaborate closely in the wide range of areas such as fintech and energy. Digital payments have become a mass movement and a way of life in India due to UPI. We are working on fintech sector connectivity by linking UPI and Lanka Pay. Energy, this ferry service brings alive all those historical and cultural connection. Friends, during the recent visit of President Vikramasinghe, we jointly adopted a vision document for our economic partnership. Connectivity is the central theme of this partnership. Connectivity is not only about bringing two cities closer, it also brings our countries closer, our people closer, and our hearts closer. Connectivity enhances trade, tourism, and people-to-people ties. It also creates opportunities for the youth of both countries. Friends, following my visit to Sri Lanka in 2015, we witnessed the launch of direct flight between Delhi and Colombo. Later, we celebrated the landing of the first international flight in the pilgrim town of Kushinagar from Sri Lanka.
The direct flight between Chennai and Jaffna began in 2019. Now, the ferry service between Nagapattinam and Kankesanthurai is yet another important step in this direction. We are embarking on a new chapter in the diplomatic and economic relations between India and Sri Lanka. The launch of a ferry service between Nagapattinam and Kankesanthurai is an important milestone in strengthening our relations. सिद्धार्थनगर जिले में जनता इंटर कॉलेज असिधवा चेतिया की 12वीं कक्षा के कुछ छात्र अपने स्कूल प्रशासन के खिलाफ डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन और मीडिया के सामने अपनी समस्या को रखा। इस दौरान बच्चों ने स्कूल के प्रबंधन पर आरोप लगाया कि बोर्ड की परीक्षा निकट है और उनकी कक्षाएं नहीं चल रही है, चपरासी की तरफ से पढ़ाया जा रहा है, जिसका उन्होंने विरोध करने पर उन्हें नंबर काटने की धमकी दी जा रही है और उनके साथ गाली गलौज किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कि उन्हें ऐसे मामले की जानकारी नहीं है, यहां सभी कक्षाएं चल रही है, सारे आरोप निराधार है। मुझे सर बिना बात के ही कुछ भी वजह नहीं था, मुझे प्रताड़ित कर दिया गया स्कूल से, और वहां पे पढ़ाई तो छोड़िए, टीचर एक भी नहीं सर पढ़ा रहे हैं, सब लोग चपरासी मिलकर पढ़ा रहे हैं, और कोई बात बोल दो तो नंबर काटने का धमकी दे रहे हैं और गाली भी दिए दो सर। तो आप लोग यहाँ तक पहुँचे, क्या कारण, मतलब इतना क्या ब्लंडर हो गया सर? हम लोग को मतलब कार्रवाई करना उन लोगों को। तो गाली समस्या, समस्या क्या समस्या? समस्या ये है सर कि गाली दे रहे हैं वो लोग, रियल रूल नियम तो सही है सर, बट चपरासियों से पढ़वा रहे हैं ना, कुछ प्रैक्टिकल का नंबर काटने का धमकी दे रहे हैं, अगर कुछ बोल दे उनको। तो इस संदर्भ में आपने अभी अपने अभिभावकों को बताया कि ये समस्याएं स्कूल में चल रही है कि सीधा आप जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटा रहे हैं? बताए थे तब एक इसी में से हैं, इनके पापा वकील हैं, तो बोल रहे हैं ठीक है जाओ वहाँ पे, बोल दरखास्त देके आयो। प्रिंसिपल को आपने नहीं शिकायत की इस बारे में? प्रिंसिपल तो बोल रहे हैं जा रहे नंबर काट देंगे, बोलोगे तो उनको इन लोगों को मारेगा, धमकी दे रहे थे, कार्लर पार्ट काट दे। इस तरह का मामला मेरे संज्ञान में तो नहीं है, जो भी आरोप ये सब छात्रों ने लगाया है वो तो बेहद लग रहा है हमको। विद्यालय में सभी कक्षाएं सुचारू रूप से चलती हैं, हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, लेकिन हम जो है प्राइवेट टीचर रख करके ही पढ़ाई करवाते हैं। कुछ छात्र ऐसे थे विगत दिनों में कि वो अनुशासनहीनता किए थे, तो उसी में उनको उनके गार्जियन को बुलाने के लिए कहा गया था कि अपने गार्जियन को बुला करके लाइए और जिससे उनको बताया जाए आपके बारे में, तो वो वही छात्र हो सकते हैं शिकायत किए हों, और कोई ऐसी बात ही मेरे संज्ञान में नहीं है। सर पढ़ाने को लेकर जो मामला होता है, ये कह रहे हैं कि नंबर काट दिया जाएगा, ये होगा, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब निराधार है, सब बच्चे शिकायत वजह करते हैं, और हमारे स्टाफ सब मेहनत से पढ़ा रहे हैं। कल रियाज भी हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने सघन चेकिंग किया, सब ठीक ठाक पाया गया, कोई ऐसी बात नहीं थी, सब। बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के सतुइया गांव में ट्रेन के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल युवक सुबह खेत पर काम करने जा रहा था और तभी सामने से आई ट्रेन को नहीं देखा और हादसा हो गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मौत की सूचना मिलते ही युवक के परिवार में कोहराम मच गया। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।